हाय स्टूडेंट, ए वीडियो में बीएड साइंस रो प्रीवियसर क्वेश्चन सॉल्व करिवा जोटा कि 2021 10 अक्टूबर शिफ्ट 2 रो से स्टार्ट करू छी क्वेश्चन। तो आम फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करिवा सब सीटर आगे फिजिक्स क्वेश्चन सरला पर केमिस्ट्री बाकी जीवा। फास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए साइक्लोट्रॉन। इले मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड किसी वीडियो बनई प्लेलिस्ट देखो आईटा से कन्सेप्ट रो आसी साइक्लोट्रॉन जदि मु कंप्लीट करी नाही किंतु साइक्लोट्रॉन रो ठीक लास्ट वीडियो चाहिँ जाई छी जेते हमें कही थी गोटे चार्ज पार्टिकल को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रे जाऊ छी तार इन्फ्लुएंस कौन रहू छी से चार्ज पार्टिकल उपरे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल कौन रहू छी सेटा हमें डिफरेंट एंगल देखी थे बा केस देखी थे बा सिंपल कथा पिले जत्ते बेले इलेक्ट्रिक फील्ड आ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रहिबे तांको भीतर एंगल जीरो हो जीवो तो चार्ज पार्टिकल पर किसी भी इफेक्ट पकेबो नाही। बाकी जेते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहिबे साइन 90 टा मैक्सिमम हुए हाँ कि नहीं साइन 90 केते हुए पिले 1 हुए ना साइन 90 1 हुए मैक्सिमम पाथ सेते बेले मैक्सिमम एक्चुअली चार्ज पार्टिकल मूव कर स्टार्ट करे मैक्सिमम सही टाइम रे से मेकानिज्म को यूज करै छै साइक्लोट्रॉन रे। मैग्नेटिक फील्ड को जदि परपेंडिकुलर रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड सहित यह करने द्वारा कौन हुए ना से चार्ज पार्टिकल रो एनर्जी आ जाए कहीं से एक्सिलेट अधिक करे जदि जो अधिक स्पीड रे वेलोसिटी रे मूव कर काइनेटिक एनर्जी गेन कर चार्ज पार्टिकल एनर्जी बढ़ी जाव। साइक्लोट्रॉन डिवाइसटा यहीपाई कि चार्ज पार्टिकल चार्ज आयन जी रही एनर्जी इनक्रीज कराए तो सीटा केतबेले हुए ना जिते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली रखा जाए तो राइट आंसर प्ले हो परपेंडिकुलर पैरेलल बिल्कुल भी आसीबो नाही। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स क्वेश्चन देसी ए पर्सन हियर्स द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ ए बम आफ्टर 5 सेकेंड एंड अनदर पर्सन हियर्स द साउंड आफ्टर 6 सेकेंड द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन। इले क्वेश्चन एग्जाम हॉल रे छाड़ी के आसीबा कथा नुहे तुम जो कनसेप्ट शिखीच से इले सेमती साउंड रो वीडियो भी प्लेलिस्ट रे अच्छी जो मैंने फास्ट टाइम देखु थोड़े देखी दियो तापर नेक्स्ट से तार प्रोसीड कौन करी मत तुम कमेंट सेक्शन में कहिजी। गोटे लोक साउंड शुणला गोटे बम रो 5 सेकेंड पर आउ जन शुणला 6 सेकेंड पर तो रेसीओ बिटवीन द रेसीओ अफ मिनिमम एंड मैक्सीम पसबुल डिस्टान्स बिटवीन दि पर्सन से जो दुई जन पर्सन अच्छा लोक अच्छा से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के पारे पे डिस्टेंस आम फॉर्मूला कौन कहीपर डिस्टेंस फॉर्मूला आम जानचे कौन वेलोसिटी वेलोसिटी इनटू टाइम तुम्हें कहीपर पे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जो जोटा कि बम द्वारा प्रोड्यूस होता तो कांस्टेंट थी 330 नियो 320 नियो हाँ कि ना तो एक्चुअली कौन हो ना डिस्टेंसटा वेलोसिटी जेहेतु कांस्टेंट हो गला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन हो पे टाइम हो हाँ कि ना तो प्रथम पर्सन जीए कहबी केमती लिखी डिस्टेंस इक्वल कौन हो वेलोसिटी वेलोसिटी इनटू टाइम तो फास्ट पर्सन तुम जो कैलकुलेट कर 5 सेकेंड दे हाँ कि ना फास्ट पर्सन तुम कैलकुलेट कर तार डिस्टेंस के डिस्टेंस वेलोसिटी कांस्टेंट धरले 320 तुम पुट कर किसी आवश्यक ना टाइम 5 तो सी एत डिस्टेंस से जब सेकेंड पर्सन पर D1 करदे है जब सेकेंड पर्सन पर कैलकुलेट कर तो D2 आसो सेमती का वेलोसिटी इनटू 6 सेकेंड नहीं तो पे आगे तुम्हें डिस्टेंस रेशियो बाहर कर दियो D1 बाय D2 तो कैसे आस पे भी कैनसल हो 5/6 आस जल जल देखा जो 5/6 आस तुमको पचार मिनिमम और मैक्सिमम पे दुटा रेशियो दे मिनिमम मैक्सिमम केमती हुए 6/5/11 हम मैक्सिमम 6/5 गले 1 हो मिनिमम तांकर मैक्सिममटा हुए A+B और मिनिममटा हुए A-B क्वेश्चन एग्जाम हमें छाड़ी आसवे किसी आवश्यक ना तुम साइंस स्टूडेंट समस्ते तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी पिले 1:11 देखिपार 1:11 डी ऑप्शन दे क्वेश्चन क्लियर किसी असुविधा अच्छी ए नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग सोलेनोइड पिले पुणी कहबी एटा मैग्नेटिक रो क्वेश्चन मोर वीडियो देखो सोलेनोइड पूरा कंप्लीट क्लियर कट कट बुझाई तुमको सोलेनोइड कोड कहीं पे कही सोलेनोइड रो फास्ट स्टेटमेंट इच टर्म फॉर्म्स ए सेपरेट लूप प्रत्येक टर्न गोटे इंडिविजुअल लूप बनाए इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे ए स्टेटमेंट ठीक प्रत्येक टर्न रो इंडिविजुअल आसो द नेट मैग्नेटिक फील्ड
मनकर एन टर्न अछि समस्त इंडिविजुअल आसे ना लास्ट त कोन जाय मिसा जाय। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न्स पिले फॉल्स स्टेटमेंट कोई जी जदि एन टर्न्स अछि गोटे टर्न पई मैग्नेटिक फील्ड जदि बी वन हैला आ गोटे पई बी टू हैला आ गोटे पई बी थ्री हैला एमान समस्त वेक्टर क्वांटिटी एमानकर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ कोन हुए वेक्टर सम ऑफ द फील्ड अर्थात बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री ये कौन कही प्रडक्ट हुए ये स्टेटमेंट यही भूल होगा प्रडक्ट हेनी बिले वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल लूप बा इंडिविजुअल टर्न्स तो राइट आंसर तो बी हो अन्य ऑप्शन भी चेक करनियो। देयर आर सेवेराल टर्न्स ऑफ ए वायर निश्चित सोलेनोइड से बने जो सी नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हुए आउ द वायर इज इनामेल्ड फॉर इन्सुलेशन ये भी करेक्ट तुम स्टेटमेंट तेणु केवल बी ही हो राइट आंसर क्लियर। आउ आम कही भी सोलेनोइड रो नेट मैग्नेट फील्ड कैलकुलेट करने आसला म्यू जीरो एन आउ आई एन हो नंबर ऑफ टर्न्स म्यू जीरो कांस्टेंट आई म्यू जीरो वैल्यू कमेंट सेक्शन में जन पार ओके तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पुणी कह इलेक्ट्रिक फील्ड रू इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी रो 11 12 टी वीडियो बनैछि कौन सी सिंगल कन्सेप्ट भी मिस है से बीएड रिलेटेड जितक लेवल क्वेश्चन आज जाए आसी मो वीडियो भितर आसी ठीक अच्छे बाकी एमसीक्यू टी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आनबार अच्छी कि कन्सेप्ट सब सरी विथ एमसीक्यू सरी ओके आउ यही क्वेश्चन से पिला करी जे से वीडियो भल भाव देखी थी कही इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम्स 500 वाट ये क्वेश्चन पे छाड़ी आस तो मन दुख हम निश्चय एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम्स 500 वाट व्वेन कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट लाइन बुझला कि 500 वाट से कंज्यूम करमें जो 100 वोल्ट लाइन रे कनेक्ट करिचो इफ द लाइन वोल्टेज बिकम्स 150 वोल्ट जो तुम्हें लाइन वोल्टेज 150 करुच पावर कंज्यूम केते हबो ए होची कथा तो पिले गोटे कथा शुण मुझा साफ साफ से हीटिंग एलिमेंट जब कहे जूल स्लोप हीटिंग कथा कहचे सीटी इंपोर्टेंट फैक्टर किए कम कर जान रेजिस्टेंस ए क्वेश्चन कौन सी रेजिस्टेंस कथा कही ना फास्ट क्वेश्चन ने कहीदेला 500 वाट कंज्यूम करुच्ची जदि 100 वोल्ट लाइन अच्छी यटा को 150 करदेव 150 करदेव तो केते कौन ना पावर पे तुम जो फास्ट स्टेटमेंट फॉर्मूला पी इक्वल टू कौन पे भि स्क्वायर बाय आर पी रनटा फॉर्मूला अच्छी वीडियो देखियो मुझे ये किसी भी कहि तुम वीडियो देखा पड़ो तुमको पी इक्वल टू भि स्क्वायर बाय आर कन्सेप्ट सब बुझा पड़ो तुमको भि स्क्वायर बाय आर तो पावर दे 500 पुट करदेल वोल्टेज दे 100 रो स्क्वायर माने 100 इंटू 100 बाय आर पिले मिली जीवो कि ना डबल्स नो कैंसल तो 5 बाय 100 आर आसीबो केते पिले ठीक अछि तो पी इक्वल टू भी स्क्वायर बाय आर हाँ ठीक अछि पिले पिले आर आसी जीवो केते ना 100 बाय 5 तो केते आसी पिले 20 ओम आसीबो आर तो रेजिस्टेंस मिलला 20 ओम फास्ट स्टेटमेंट क्लियर नोट कलो मैं ये लिखुची आर के मिलला पिले मते आर मिलला 20 ओम। नेक्स्ट कहि वोल्टेज को तुम्हें नेक्स्ट कौन कल वोल्टेज को चेंज कर दे नेक्स्ट न्यू वोल्टेजा होते भी न्यू 150 वोल्ट ताले पावर के पुणी से ही फल पक पी इक्वाल टू भी स्क्वायर बाय आर ए सबू रेजिस्टेंस रो खेल हुए भी स्क्वायर मैंने भी जो 150 इंटू 150 बाय आर है 20 शून शून कटला तो 150 इंटू 15 पिले के 15 225 हाँ कि नहीं तो 225 हेले अच्छा दुई पे काटि दौन यटा को कौन असुविधा हो 75 होगा तो बाकी रहा 75 इंटू 15 तो 15 सदा 105 1050 ये 15 125 15 सदा 105 है 1050 15 75 है तो 5 7 5 बार दुई ना 1 1 1125 अच्छी ऑप्शन देख पे डी ऑप्शन 1125 वाट ओके राइट आंसर क्लियर पे नेक्स्ट पे यही सीटा मुझे आगे यही बाछिली मुझे अलग सीट नहीं पारि था यहाँ मत सबुट देखी कहीं नी कि तुमको यह कहें बोले मुझे जितकी भिड बनई सीट्रे तो सही क्वेश्चन पड़ी ये सीट जी देखिए बोले भल करेंगे जदि मो भिड देखी थे
ठीक अच्छे ओडिया स्टडी पॉइंट चैनल भिड एवं आसला हिट हिट थर्मोडायनामिक्स रु लास्ट टाइम बहुत कम भिड बनती मात्र दुईटा कि तीन टा भिड अच्छी आउ ये डेफिनेशन अच्छी कि ना पहले देखी सार थे चेक करतापर आस कमेंट सको ये सर थिला बोली ठीक अच्छे तो कही मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हिट जहाँ को आम कहते डब्ल्यू डब्ल्यू बाय क्यू तो वर्क डब्ल्यू हूँ वर्क क्यू हूँ हिट वर्क यूनिट जूल टेम्परेचर बा हीट हो कैलोरी तो राइट आंसर जूल पर कैलोरी ऑप्शन ए पे ठीक भी करें बहुत बढ़िया ठीक अच्छे तो नेक्स्ट हूँ जूल बाय कैलोरी गला नेक्स्ट पे इंपल्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट डायमेंशन पचार इंपल्स रो इंपल्स रो फॉर्मूला हूँ कौन पे फोर्स इनटू टाइम केते टाइम पर्यंत फोर्स फोर्स एक्ट करे जहाँ को आम चेंज इन मोमेंटम भी कहूँ इंपल्स को तो फोर्स रो डायमेंशन हूँ एम एल टी माइनस टू जहाँ को जाना ना पुणी लिख मास इनटू एक्सीलरेशन एम एल टी माइनस टू आसीजो आउ टाइम है टी तो कौन जो पावर वन अच्छी तेल एम वन एल वन टी माइनस वन तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर एम एल टी माइनस वन कारण माइनस टू आउ प्लस वन कौन हो माइनस वन हो बाकी एम रो वन अच्छी एन रो भी वन अच्छी ओके नेक्स्ट एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड मुझे गोटी गोटी क्वेश्चन रिपीट कर कि साउंड रो वीडियो पुणी देखियो अच्छी अलरेडी अपडेट होती इंटेंसिटी बुझेगी इंटेनसीटर सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह भी कराइला इंटेनसीटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर है लास्ट क्वेश्चन आसला बोले मुझे करी थी इंटेनसीटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर पहले इंटेनसीटी आम डेफिनेशन कौन कही इंटेनसीटी मैंने गोटे आम कौन कही पार पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया मैंने मनकर वन मीटर स्क्वायर रो ठीक अच्छे ये वन मीटर स्क्वायर एरिया उपरे आ वन सेकेंड रे जेतिकी भी साउंड एनर्जी मूव करे ठीक अच्छे से हीटा कह जाए पे इंटेंसिटी इंटेंसिटी जमी मैं वॉल्यूम बढ़ोची वॉल्यूम स्लो करी वॉल्यूम बढ़ला मान अर्थात एनर्जेटिक साउंड मान पर यूनिट एरिया जल्दी मूव कले तो अधिक थर पास कले एनर्जी अधिक ट्रांसपोर्ट है से भाई एक्जाक्टली से भाई किसी तो वन मीटर स्क्वायर उपर वन सेकेंड पाई जिते साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो पारे बट मूव कर पारती से कहुए इंटेंसिटी तो फास्ट कथा तो मीटर स्क्वायर टे आसो आउ एनर्जी को पीला आमे जूल कही पारिबा किंतु आमे गोटे पर्टिकुलर यूज करते वेबर कही तो यहाँ कहुए कौन वेबर बाय मीटर स्क्वायर ठीक अच्छे तो राइट आंसर जो बोले कौन ऑप्शन ए यहाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट तो देखिए मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज टू पोटेंशियल भी तो चार्ज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन पोटेंशियल जदि भी देछि आउ रेडियस आर देछि ठीक अच्छे आम भी कौन कह दीदी वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर ए फॉर्मूला जान कि ना तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू आपको ओमिट कर दियो बाकी भी इक्वल टू क्यू बाय आर कही चार्ज क्यूटा क्या प्रोपोर्शनल हे पे सी कैपिटा स्मॉल यूज कर तो मैं स्मॉल कर दियो है तो ये पे मुझे क्यू लिखिपरि कि क्यू इक्वल टू भी इंटु आर क्यू इक्वल टू भी इंटु आर तो क्या प्रोपोर्शनल हे उभय भी को हम आर को हम डिपेंड कर दुई जन ठीक अच्छे राइट आंसर ऑप्शन बी है जो करेक्ट ठीक अच्छे से प्रोपोर्शनल कथा कही ये ओके नेक्स्ट हूँ कहे ये क्वेश्चन तो मुझे एमती लगुच प्रोपोर्शनल ये डायरेक्ट कि इनवर्स किसी कथा कही ना मो मतलब एमती दबा कथा क्वेश्चन चार्ज क्यू डिपेंड्स अपन बेटर होता है क्वेश्चन मे भी तार फ्रेमिंगटा आउ जेहतु भी आर दुईटा फैक्टर पर डिपेंड कर राइट आंसर बोथ भी एंड आर मार ठीक अच्छे जड़े बोध एमती रेडियस को कन्स्टाट हो कि भी आंसर क्लिक करके तो क्वेश्चन डिपेंड्स अपन होते बेटर होता मतलब लगुच नेक्स्ट ए कीपिंग दि टोटल मेकानिकल एनर्जी कन्स्टाट टोटल मेकानिकल एनर्जी कन्स्टाट मेकानिकल एनर्जी मैंने कौन कहे पोटेंशियल और काइनेटिक मैंने कन्स्टाट अच्छी इन एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड मैंने मीनस कौन कहे एक्सटर्नाल फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम स्टेज अच्छी जैसे इंटरनाल फोर्स अच्छी कि बाहर किसी फोर्स एक्ट करना कंजर्वेटिव सिस्टम मैंने सेम मीनिंग है कि
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन इनक्रीज। तो यही सब कंडीशन देखिए पोटेंशियल एनर्जी तुम इनक्रीज कर चाहो से स्टेज रे पोटेंशियल एनर्जी को इनक्रीज कर चाहो ताले इफ ए वर्क इज डन है ऑन दि सिस्टम ताले से बाय कहा द्वारा हम जेहेतु मेकानिकल एनर्जी कांस्टेंट रखी चो आइसोलेटेड सिस्टम अच्छी कंजर्वेटिव सिस्टम अच्छी तुम कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वीडियो देखिबो वर्क पावर एनर्जी रे तो से कहूँ तुम पोटेंशियल एनर्जी गेन करियो पहले पोटेंशियल एनर्जी कहा डिपेंड करे सर एम जी ये तो कांस्टेंट छाड़ दियो सर हाइट उपरे डिपेंड करे हाइट उपरे अर्थात एमती लिखिपर एच वन माइनस एच टू इनिशियल हाइट माइनस फाइनाल हाइट उपरे डिपेंड करे पहले इनिशियल हाइट माइनस फाइनाल हाइट अर्थात इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दि पाथ फॉलोड केबे भी नहीं बुझुच कि नहीं वार पावर एनर्जी एमसीक्यू रो गोटे क्वेश्चन करीचे गोटे ऑब्जेक्ट मन पकड़ा एवं कहीदे से क्वेश्चन एम गोटे गोटे सीढ़ी रे थिला स्टेयर केस रे थिला ऑब्जेक्ट एपटे जा डिस्टेंसटा 200 देछि आ ए डिस्टेंस देछि 100 कना स्लांटिंग हाइटटा देछि बोधे अधिक तो आम ये कौ हाइट को कन्सीडर करते बोले एति कारण आम इनिशियल हाइट टू फाइनल हाइट देखी हाँ कि ना तो इमेजिन आम डिस्प्लेसमेंट कहे भाया तो इनिशियल हाइट रू फाइनल हाइट देखी अर्थात पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करुच्छे केवल तार इनिशियल और फाइनल पोजिशन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दि पाथ फॉलोड पे जब ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड करें कौन प्रकार फोर्स कह जाए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहीं कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करे तार पाथ फॉलोड उपरे मोर वर्क पावर एनर्जी फास्ट भिडियो कह जाएगा तो आज पे मन रख पोटेंशियल एनर्जी केबे भी डिफाइन हुए ना कहपाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स केबे भी डिफाइन हो पार ना केवल 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 कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड कर कारण कंजर्वेटिव फोर्स अर्थ कौन ना सी कारण कहीं ना कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन हो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड ये केबे भी सी कौन रास्ते जा केवल डिपेंड करे तार इनिशियल और फाइनल पोजिशन किंतु पाथ उपरे फॉलो करना है से पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेले पोटेंशियल एनर्जी कथा कहा जाए ही ना ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखा कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स दे कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स क्या कही एक्सटर्नल फोर्स पे जीरो रही है कहीं कहल तुम सिस्टम आइसोलेटेड कंजर्वेटिव सिस्टम कही अर्थात जो सिस्टम पर तुम पोटेंशियल एनर्जी को इनक्रीज करने चाहू से क्वेश्चन जहाँ देती पोटेंशियल एनर्जी को तुम इनक्रीज करने चाहू ए सिस्टम उपर जो करने चाहूँ एक्सटर्नल किसी इफेक्ट पड़ा ना एक्सटर्नल वार्ड जीरो आसो ना ये कैनसल बी ऑप्शन कैनसल बाकी रहा कंजर्वेटिव इंटरनल कि नॉन कंजर्वेटिव ना सर 100% कंजर्वेटिव इंटरनल कहीं ये केवल इनिशियल और फाइनल को डिपेंड करे अर्थात तार पाथ को डिपेंड करे से कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है ना फिजिक्स रे भूल हो पूरा पूरी ओके केवल सी आंसर राइट ओके नेक्स्ट मत बारंबार ये सेटा ये नी कि अच्छा 1 kW ये कौन सोच वाट पिले जूल पर सेकेंड हो कि ना कहीं पावर फुल ना कौन वर्क बाय टाइम आ किलो माने के पिले हजार हजार जूल बाय सेकेंड ठीक अच्छे पे सहज भी ठीक कहते हैं अच्छा कही इफ ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 N/m एक्सटेंडेड 2 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम देन हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन पहले गोटे कथा कह तुम्हें मोर चैनल खाली फिजिक्स भिड अच्छी मैथ्रे भिड अच्छी केवल बीएड पर सब भिडियो तुम किसी ना किसी एक्सटर्नल नॉलेज पाइब ही पाइब नुआ फर्मुला ही पाइब आई क्वेश्चन मुझे कौन ना कौन सल्व कर मत लगुच वर्क पावर एनर्जी इयर हिं कर पहले स्प्रिंग कांस्टेंट को आम लिखे के 100 N/m ध्यान देवार कथा एक्सटेंड हो 2 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम जहाँ आम एक्स बोली कहते कि सेंटीमीटर देती आपको मीटर कर 2/100 पचार कौन एक्सटेंड कलापर के एनर्जी स्टोर हे पचार हाँ कि ना क्वेश्चन देख लेना आम केनर्जी स्टोर हे इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन पिले डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी एनर्जी स्टोर केते हुए हाफ के एक्स स्क्वायर अर्थात हाफ इंटू के जगह 100 और एक्स स्क्वायर अर्थात
टू बै हंड्रेड स्क्वायर हम तो दुई थर गुणी टू बै हंड्रेड तो गोटे हंड्रेड कैनसल हो टू टू कैनसल हो रो टू बै हंड्रेड अर्थात जीरो पॉइंट जीरो टू एनर्जी बाहर करचे यार यूनिट वार्क सहित सामान दैट इज जूल जीरो पॉइंट जीरो टू जूल ऑप्शन देखो मैच करो बी ऑप्शन अच्छे ये क्वेश्चन छाड़ी आस कौन दरकार ठीक हम कथा तो फिजिक्स क्वेश्चन मुझे सिफ्ट सल्व करदेली तापर मुझे आउ गए सिफ्ट रिजिक्स क्वेश्चन आने ठीक अच्छे एटा कंटिन्यू भी चलो थैंक यू।